उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को प्रेरणादायक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचारों से पार्टी और समाज को हमेशा प्रेरणा मिलती है। उनसे प्रेरणा लेकर सरकार हर तबके तक विकास की योजनाएं पहुंचा रही है। हम सब जानते हैं कि आज से 53 वर्ष पूर्व आज ही के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने भौतिक काया को छोड़ करके हमसे अलग हुए थे, लेकिन उनकी उपस्थिति, उनके विचारों के माध्यम से, उनके विचार दर्शन के माध्यम से निरंतर पार्टी को और समाज को अनुप्रेरित करती रही और आज उसी का परिणाम है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन के प्रेरणा प्राप्त करके आज केंद्र और प्रदेश सरकार देश के गांवों के बारे में, देश के गरीब के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में, समाज के प्रत्येक तबके तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने के बारे में कुछ सोच पा रही है, कुछ कर पा रही है। तो वास्तव में इसके प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी ने सोचा नहीं था कि भारत जैसे देश में 6 वर्ष के अंदर ही करोड़ों लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा, लेकिन पीएम मोदी ने इस काम को पूरा किया और इस प्रेरणा के असली स्रोत दीनदयाल उपाध्याय हैं। मोदी जी ने 26 मई 2014 को जो बात कही, 26 मई 2014 को कही गई उनकी बातें आज उनके द्वारा लागू की गई योजनाओं के माध्यम से देखने, समझने और सुनने को मिलती है। कोई सोचता था भारत जैसे देश में 6 वर्ष के अंदर 2 करोड़ लोगों को आवास मिल जाएगा? कोई सोचता था 10 करोड़ लोगों को शौचालय मिल जाएगा, 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस के सिलेंडर मिल पाएंगे, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल पाएगा, 35 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल पाएंगे, देश की आधी आबादी 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर पाएगी, हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लक्ष्य को लेकर के जल जीवन मिशन लागू हो पाएगा, 1947 से लेकर के 2014 तक एक सपना था, लेकिन 2014 के बाद हमने अपनी आंखों से इसको हकीकत में बदलते हुए देखा है। आपको बता दें कि बीजेपी देश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मना रही है, जिसको लेकर देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। लखनऊ से अनिल सैनी, पंजाब केसरी टीवी।